गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि एम आई क्लियरली ऑडिबल। ओके, तो हम 2 मिनट लर्नर्स का वेट करते हैं और उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट के जो सेशंस रहे उसमें हम लोगों ने चैप्टर 10 जो है वहाँ तक चीज़ें डिस्कस की थी और अब हम रेस्ट ऑफ दी सेशंस जो हैं वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो आज हम चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 जो है उसके बारे में बात करेंगे। जो भी लास्ट सेशन जो भी हमने डिस्कस किया उसमें हमने देखा कि कैसे मौर्यन पीरियड के डिक्लाइनेशन के बाद यहाँ एक तरीके से बहुत से फॉरेन इन्वेजन हुए। हमने इंडो ग्रीक्स को आते हुए देखा, कुशांस को आते हुए देखा, शाक जो है वो सैट्रप सिस्टम अपने साथ लेकर आ रहे हैं, इसी के साथ साथ शुंगा डायनेस्टी जो है वो आ रही है, कनवास जो है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। सो अब हम कुछ नए एम्पायर्स और किंगडम्स जो हैं उनके डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बट इस पर्टिकुलर पार्ट को कवर करने से पहले इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो कुशांस थे वो अपने साथ एक कंसेप्ट लेकर आए और वो था फ्यूडलिज्म का कंसेप्ट। फ्यूडलिज्म क्या है? सामंतवाद। ये वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा। सामंतवाद में क्या होता है? बेसिकली जो राजा होता है वो यहाँ पर क्या करेगा, अपने पूरे के पूरे एम्पायर को फ्यूडेटरीज में डिवाइड कर देगा और उन फ्यूडेटरीज के ऊपर फ्यूडल लॉर्ड्स को बैठा देगा। ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं इनके पास उस पर्टिकुलर फ्यूडेटरी से जुड़े हुए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी हैं, जुडिशियल राइट्स भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये फ्यूडल लॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते थे। अगर आपका ये जो राजा है सेंटर में काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और इतना स्ट्रांग नहीं है, पूरे एम्पायर को वो संभाल नहीं सकता, तब ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे वो अपनी अपनी इन फ्यूडेटरीज को अपने अपने इस एरिया अंडर एडमिनिस्ट्रेशन को फ्री घोषित कर देते थे और यहाँ पर अपनी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करते थे। तो यहीं पर यहाँ पर एक ऐसी ही स्टोरी सामने आपको आती हुई देखने को मिलेगी। कुशांस जो हैं उनके एक फ्यूडेटरी श्रीगुप्त नाम के व्यक्ति भी थे।
हमारे पास इतने प्रॉपर एविडेंसेस तो नहीं है तो, लेकिन माना जाता है कि श्रीगुप्त जो है वो वैश्य वर्ण से आते थे और इसी वजह से कुषाण रूलर्स ने उनको एक फ्यूडेटरी का फ्यूडल लॉर्ड बनाया था। लेटर टाइम्स में जब कुषाण काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए उस टाइम पे श्रीगुप्त जो है उन्होंने अपने फ्यूडेटरी को फ्री किया और वहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत की। तो इस तरीके से एक नया किंगडम जो है, एक नया एम्पायर जो है वो आपके सामने आ रहा है, जो है गुप्ता एम्पायर, और ये गुप्त वंश के अंडर था। तो यहाँ श्रीगुप्त के बाद बहुत से बेहतरीन रूलर्स रहे एंड वी ऑल नो दिस थिंग कि अगर श्रीगुप्त जो है उनका बैकग्राउंड क्षत्रिय नहीं है, वो क्षत्रिय बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा यहाँ पर अपने आप को प्रॉपर तरीके से इस्टेब्लिश करने के लिए। तो इसी वजह से श्रीगुप्त जो है और उनके बाद के जितने भी रूलर्स रहे उन्होंने बड़े बड़े टाइटल्स अपने आप को दिए। उन्होंने अपने आप को महाराज, महाराज अधिराज का टाइटल भी दिया। इस तरीके से एक बहुत ही बेहतरीन जो रूलर इस पर्टिकुलर डायनेस्टी में रहे वो समुद्रगुप्त भी थे। तो ये स्टोरी किस तरीके से चलती है, श्रीगुप्त है, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच आते हैं, घटोत्कच के बाद आपको चंद्रगुप्त फर्स्ट आते हुए देखने को मिलेंगे, उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त एक बहुत ही बेहतरीन राजा रहे और इसके बारे में हमें उनकी प्रशस्तियों से पता चलता है। आखिर प्रशस्ति क्या होती है? प्रशस्ति किसी की प्रेज में, किसी की प्रशंसा में जब यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस इंस्क्राइब किए जाते हैं तो उन्हें हम प्रशस्ति कहते हैं। यहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में भी एक ऐसा ही इंस्क्रिप्शन है जिसे अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन या प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं और ये समुद्रगुप्त के ही कोर्ट पोएट हरि सेन के द्वारा संस्कृत में इंस्क्राइब किया गया था। तो ये इंस्क्रिप्शन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये समुद्रगुप्त की क्वालिटीज़ और बाकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। इन प्रेज ऑफ किंग, किसी भी राजा के प्रेज में लिखे जाने वाले इंस्क्रिप्शन को ही प्रशस्ति कहा करते थे। ओके, इसी तरीके से जैसे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति आपको देखने को मिल रही है वैसे ही डेक्कन वाला जो रीजन था यहाँ पे सातवाहन किंगडम हुआ करता था और सातवाहन किंगडम के एक राजा गौतमी पुत्र श्री सत्कर्णी की मदर, उनकी माता ने भी इसी तरह से एक प्रशस्ति लिखी थी जिसमें उन्होंने अपने बेटे की प्रशंसा और तारीफ की थी। तो ये प्रशस्ति हमारे लिए एक नया सोर्स बन जाती है इन राजाओं के बारे में जानने के लिए। ओके, सो लेट्स सी कि समुद्रगुप्त के बारे में इस प्रशस्ति में क्या लिखा है और इस प्रशस्ति से हरिसेन हमें कौन कौन सी दूसरी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हरिसेन समुद्रगुप्त एक पोएट भी थे, एक बहुत ही बेहतरीन वॉरियर भी थे, स्कॉलर भी थे। इसके साथ साथ वो यहाँ पे हर तरफ एक्सपेंशन करना चाहते थे, हर तरफ अपने एम्पायर को फैलाना चाहते थे। इवन प्रयाग प्रशस्ति में ये भी बताया गया है कि समुद्रगुप्त की जो पॉलिसीज़ थी वो अलग अलग डायरेक्शंस में काफ़ी अलग अलग थी। जैसे कि आर्यव्रत रूलर्स, जो नॉर्थ के रूलर्स हुआ करते थे उनको आर्यव्रत के रूलर्स कहा जाता था और ये 9 थे इन नंबर। तो समुद्रगुप्त ने इन सारे 9 आर्यव्रत रूलर्स को हराकर उनका पूरा का पूरा जो किंगडम्स थे उनको गुप्ता एम्पायर में मर्ज कर लिया, यानी कि ऐड कर लिया। उसके बाद आता है दक्षिण पथ। दक्षिण पथ ये वाला रीजन है और इस पर्टिकुलर पार्ट में 12 रूलर्स हुआ करते थे। इन 12 रूलर्स को भी समुद्रगुप्त ने हराया लेकिन इन 12 रूलर्स को उनके किंगडम से हटाया नहीं, बल्कि उन्हें ये कहा कि तुम अब भी अपने किंगडम में रूल कर सकते हो लेकिन हमारी फ्यूडल लॉर्ड बनकर या फिर हमारी सुजरेंटी के अंडर रहकर। तो यानी उनकी पॉलिसीज़ अलग अलग जगह पे अलग अलग थी। नॉर्थ के सारे रूलर्स को हरा के उनकी किंगडम्स को टोटली कैप्चर कर लिया गया, जबकि दक्षिण पथ के जो राजा थे उन्हें हरा कर उनका किंगडम वापस दे दिया गया, बट अब वो किंगडम उन राजाओं को बिलोंग नहीं करता, गुप्ता एम्पायर को बिलोंग करता है। अगर वो राजा अब भी फर्थर उस एरिया पर रूल करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ गुप्ता एम्पायर के रूलर की परमिशन के हिसाब से। इसके साथ साथ असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल और बाकी के बहुत सारे रूलर्स जो इस नॉर्थ ईस्ट साइड में हुआ करते थे ये भी एक तरीके से गुप्तास के ही अंडर थे और ये टाइम टू टाइम गुप्तास को गिफ्ट्स भेजा करते थे जिसके ज़रिए इन्हें इस एरिया में रूल करने की परमिशन दी जाए।
ओके ये चीज़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सो इस तरह से आप चीज़ें देखेंगे। वहीं आप डीप साउथ में अगर जाते हैं, श्रीलंका वगैरह जैसे इलाकों में जाते हैं, या फिर कुशांस के जो बचे खुचे एरिया थे जहाँ कुशांस रूल कर रहे थे, या फिर शार्क्स जो हैं उनका बचा खुचा जो पार्ट था जहाँ पर वो रूल कर रहे थे, वो सब भी अपने आप को समुद्रगुप्त को सबमिट कर चुके थे। तो समुद्रगुप्त एक बेहतरीन रूलर के तौर पर आप देख सकते हैं। इवन समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज जो थी उसी की वजह से वो भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुप्ता एम्पायर में ऐड कर पाया। ओके सो ये चीज़ें आप यहाँ समुद्रगुप्त की प्रशस्ति से पता लगा सकते हैं। इवन प्रशस्ति ही नहीं, समुद्रगुप्त जो है उनके कॉइन्स से भी हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पता चलती हैं। उनके जो कॉइन्स थे समुद्रगुप्त ने जो इशू करवाए वो गोल्ड के कॉइन्स थे, और उन कॉइन्स में भी वो किन चीज़ों में कैपेबल है, क्या क्या क्रेडिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें वो जानते हैं, वो सब आपको देखने को मिलेंगे। कुछ कॉइन्स हैं जिसमें वो वीणा बजाते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो लिरिस टाइप के कॉइन्स कहलाते हैं। कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जिसमें वो यहाँ पर शेर के साथ फाइट कर रहे हैं, या फिर कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जिनमें वो प्रॉपर तीर चला रहे हैं। तो जितनी भी क्वालिटीज़ उनके अंदर थी वो उन्होंने कॉइन्स में भी दिखाने की कोशिश की। इवन यहाँ पे समुद्रगुप्त के टाइम पर एक और कॉइन आया था जिसको अश्वमेध टाइप का कॉइन कहा जाता था। अश्वमेध टाइप का कॉइन कैसा होता है, उस कॉइन के ऊपर घोड़ा बना होता था। ये कॉइन क्यों इशू किया गया, क्योंकि समुद्रगुप्त का मानना था कि मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइनेशन के बाद ऐसा कोई राजा रहा ही नहीं जो अश्वमेध यज्ञ करने के लायक हो, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ तो वही राजा कर सकता है जो चक्रवर्ती है और जो हर डायरेक्शन में जीत हासिल कर सकता है। तो हम वो हैं, हम गुप्त वंश के राजा वही राजा हैं जो इस अश्वमेध यज्ञ को रिवाइव कर रहे हैं। इसी वजह से आपको अश्वमेध टाइप के कॉइन्स भी समुद्रगुप्त के टाइम में इशू या मिंट होते हुए देखने को मिलेंगे। इन प्रशस्ति से हमें बहुत सी दूसरी चीज़ों के बारे में भी पता चलता है, जैसे कि जीनियोलॉजी, यानी कि पूरा का पूरा क्रोनोलॉजिकल तरीके से कौन कौन से राजा किस तरीके से आए। तो हमें इन प्रशस्ति से क्या पता चला कि यहाँ पे समुद्रगुप्त जो है उनके फादर चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, और चंद्रगुप्त फर्स्ट की वाइफ कुमारा देवी थी। तो कुमारा देवी और चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे हैं समुद्रगुप्त। ओके इवन चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराज अधिराज का टाइटल भी अडॉप्ट किया था। ये महाराज अधिराज का टाइटल या महाराजा का टाइटल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता था इन गुप्ता रूलर्स के लिए, अदरवाइज़ ये सोसाइटी में इन्हें एज रूलर कोई एक्सेप्ट नहीं करता, बिकॉज इनका बैकग्राउंड क्षत्रिय नहीं था और क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे। तो ये वैश्य वर्ण से बिलोंग करते थे, तो ऑब्वियसली सोसाइटी में एक्सेप्टेंस के लिए ये बड़े बड़े टाइटल्स अडॉप्ट करते हैं। इवन यहाँ पे समुद्रगुप्त जो है उन्होंने भी एक टाइटल अडॉप्ट किया था देवपुत्र का। यू कैन सी दिस थिंग, कैसे एक इवोल्यूशन यहाँ देखा जा सकता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक तरीके से अबाउट दोज रूलर्स, जैसे कि अगर मैं बात करूँ अशोक की, तो अशोक ने अपने आप को कहा देव नाम पिय पिय दसिन राजेन, मतलब मैं देवों का प्रिय हूँ। उसके बाद फिर कुशान आते हैं, कुशान रूलर कनिष्क आते हैं, वो यहाँ पर क्या कहते हैं कि मैं यहाँ पर एक तरीके से देव पुत्र हूँ, यानी कि देवताओं का बेटा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली वो भी क्या करना चाहते थे, वो भी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस चाहते थे। उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त, ये अपने आप को देव पुत्र नहीं बल्कि खुद देव ही कहते हैं। मतलब यू कैन सी दिस सॉर्ट ऑफ इवोल्यूशन कि वो कैसे अपने ओरिजिन को, अपने आप को यहाँ पे एक तरीके से डिविनिटी से कनेक्ट करना चाहते हैं ताकि लोग उनको एज रूलर्स एक्सेप्ट करें। इसी तरीके से समुद्रगुप्त के जो बेटे हैं चंद्रगुप्त सेकंड विक्रम आदित्य, उन्होंने भी अपने आप को विक्रम आदित्य का टाइटल दिया, बिकॉज विक्रम आदित्य जो है वो एक ऐसे राजा थे जिन्होंने शार्क रूलर्स को हराया था, और चंद्रगुप्त सेकंड ने भी शार्क रूलर्स के साथ फाइट करके उन्हें हराया था, इसी वजह से उन्होंने विक्रम आदित्य टाइटल अपने आप को दिया। इसी तरीके से चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने आप को शाकारी का भी टाइटल दिया था। ये जो टाइटल्स हैं, इन टाइटल्स के थ्रू एक्चुअल में वो अपनी जो पोजीशन है, अपनी जो पावर्स हैं, उनको स्ट्रेंथन एज वेल एज कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके
एक और तरीका जिसके ज़रिए उन्होंने अपनी पोजीशन को काफ़ी अच्छे से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, पोजीशन को प्रॉपर बनाए रखने की कोशिश की, वो है मैट्रिमोनियल अलाइंस। इन्होंने आसपास के किंगडम्स में मैट्रिमोनियल अलाइंस बनाए, जैसे कि जो डेक्कन वाला रीजन था इनके टाइम पर, वहाँ पे वकटक्स रूल किया करते थे, वकटक्स वर ब्राह्मण, तो उन ब्राह्मण्स के साथ मैट्रिमोनियल अलाइंस बनाए, लिच्छवी प्रिंसेस जो हैं उनके साथ शादियाँ की। तो ये खुद क्षत्रिय नहीं है, लेकिन क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ण के लोगों के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस बनाकर शादी विवाह करके भी अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम चंद्रगुप्त सेकंड विक्रम आदित्य के बारे में बात करते हैं, तो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रम आदित्य एक और चीज़ के लिए जाने जाते हैं, और वो है उनके कोर्ट में रहने वाले नौ रत्न। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रम आदित्य के कोर्ट में नौ रत्न माने जाते थे। नौ रत्न मतलब कि नाइन स्कॉलर्स थे, और ये जो नाइन स्कॉलर्स थे ये अलग अलग फील्ड में बहुत ही बेहतरीन थे, जैसे कि पोएट कालिदास। ओके, तो पोएट कालिदास जो है वो एक बेहतरीन पोएट थे, उन्होंने प्लेस भी लिखी है, उन्होंने यहाँ पे लॉन्ग पोएट्रीज भी लिखी हैं, शॉर्ट पोएम्स भी लिखी हैं, और एपिक्स भी लिखी हैं। तो पोएट कालिदास वॉज वन ऑफ दोज नवरत्नास, एंड इसी के साथ साथ कालिदास जो हैं उनके प्लेस जो है वो काफ़ी पॉपुलर हुए हैं। इवन कालिदास इज़ दी ओनली राइटर जिनके प्लेज और जिनकी रचनाओं को ऑल ओवर वर्ल्ड अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके पढ़ा गया है। तो उनकी कुछ फेमस रचनाओं में से अभिज्ञान शकुंतलम है, और ये दुष्यंत और शकुंतला, दुष्यंत नाम के राजा और शकुंतला नाम के एक महिला के लव स्टोरी के बारे में है। उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि मेघदूत इज़ ऑल्सो वन ऑफ हिज रचनाओं में आप काउंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ विक्रमोवर्षी इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। इसके साथ यहाँ पर एक शुंगा रूलर अग्निमित्र के बारे में भी उन्होंने यहाँ पे एक स्टोरी लिखी है। तो कालिदास के प्लेज और उनकी रचनाएं जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी, और वो संस्कृत में लिखी गई। ठीक है, तो संस्कृत में आपको कालिदास के प्लेज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। चंद्रगुप्त सेकंड जो हैं, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, उनके टाइम पर एक चाइनीज श्रद्धालु फाहियान भी इंडिया आए। और ये जो फाहियान है ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि जितने भी कॉइन्स हैं, जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं, जितनी भी दूसरे सोर्सेज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राजाओं को गुड पिक्चर्स में ही दिखाएंगे, मतलब कि उनको हमेशा अच्छा ही दिखाएंगे, उनकी हमेशा प्रशंसा ही करेंगे। लेकिन फाहियान जो थे वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आए, यहाँ पे अलग अलग इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट प्लेसेस को विजिट करने आए थे, चाइना से आए थे, एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। तो जब फाहियान आते हैं तो जो लोकल जनता है उसके बीच में फाहियान रहते हैं, और लोकल जनता के बीच में रहकर वो एक्चुअल रियलिटी जो गुप्ता पीरियड की थी उसको नोटिस करते हैं, और उसको अपनी किताबों में लिखते भी हैं। तो फाहियान की जो अकाउंट बुक है, जो ट्रैवलॉग है जो कि उन्होंने यहाँ पर पूरा बनाया है, वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है गुप्ता पीरियड की सोसाइटी को बेटर समझने के लिए। तो फाहियान की अकाउंट बुक्स के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है फाहियान के द्वारा कि शूद्र जो है उनकी कंडीशन थोड़ी अच्छी हो गई थी। शूद्र जो थे अब वो यहाँ पे रामायण महाभारत जैसी एपिक्स को सुन सकते थे, उन्हें सुनना अलाउ कर दिया गया था। इसी के साथ साथ फाहियान अनटचेबल्स के बारे में भी बताते हैं कि कैसे अनटचेबल्स को चांडाल्स कहा जाता था, और ये अनटचेबल्स गाँव देहाती इलाकों के बाहर रहा करते थे। जब भी ये गांव में एंटर होते थे तो इनको यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से ड्रम्स बजाकर एंटर होना पड़ता था गांव में, ताकि सारे लोग अपने घरों में चले जाएं। लोग इन्हें टच करने से अवॉइड करते थे क्योंकि इन्हें प्रदूषण या पल्यूशन के बराबर माना जाता था। तो ये अनटचेबल्स जो हैं उनके बारे में हमें फाहियान की अकाउंट बुक से मिलता है। इवन फाहियान ये भी कहते हैं कि ये जो अनटचेबल्स थे ये मीनियल वर्क करते थे, जैसे कि कोई डेड बॉडी है जिसका कोई ओनर नहीं है, तो उस डेड बॉडी को डिस्पोज करने का काम ये अनटचेबल्स किया करते थे, और उस डेड बॉडी के ही कपड़े निकाल कर ये पहना करते थे, लोहे की ज्वेलरीज वगैरह ये पहनते थे। इन सब चीज़ों के बारे में फाहियान हमें बताते हैं। फाहियान ये भी बताते हैं कि गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन था, और इसमें चोरियाँ बहुत कम होती थी।
तो अगर आप एज अ ट्रैवलर रोड पर सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको चोरी वगैरह या रॉबरी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन इतना बेहतरीन था कि वो इन सब चीज़ों के खिलाफ एक्शंस लेता था। तो ये जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, ये हमें फाहियान की अकाउंट बुक से मिलती है, ये हमें प्रशस्तियों से पता नहीं चलती। तो फाहियान का भारत आना भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट माना जाता है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट गुप्ता एम्पायर। एक नया किंगडम आप देख सकते हैं। गुप्ता एम्पायर जो है वो गोल्डन एरा भी माना जाता है, ठीक है, एंशियंट पीरियड का गोल्डन एज माना जाता है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि गुप्तास के टाइम पे हर फील्ड में डेवलपमेंट्स हुई है। हर फील्ड में डेवलपमेंट्स मतलब मेटलर्जी में आप डेवलपमेंट होते हुए देखेंगे, लिटरेचर में आप डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, शूद्र जो है उनकी स्थिति ठीक हो रही है। तो हर फील्ड में आप डेवलपमेंट्स होते हुए देखते हैं, इसी वजह से इसको गोल्डन एरा माना जाता है। बट ग्राउंड रियलिटीज़ थोड़ी सी अलग थी, अनटचेबल्स जो हैं उनकी स्थिति थोड़ी अलग थी। गुप्तास के बाद एक और बेहतरीन किंगडम सामने आया और वो था हर्षवर्धन का किंगडम, यानी कि वर्धान डायनेस्टी। ये जो हर्षवर्धन है या फिर इस वर्धान डायनेस्टी के फाउंडर की अगर हम बात करें, तो इस वर्धान डायनेस्टी के फाउंडर पुष्यभूति थे, ठीक है। तो पुष्यभूति एक्चुअल में ये एरिया यहाँ पे थानेसर वाला एरिया जो है वहाँ पर एज अ फ्यूडल लॉर्ड रहा करते थे। गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइनेशन के बाद ये पुष्यभूति जो फ्यूडल लॉर्ड थे यहाँ पे, यानी कि सामंती थे, उन्होंने इस एरिया को फ्री कर लिया और यहाँ पर अपना रूल इस्टेब्लिश किया, अपनी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। इस तरीके से पुष्यभूति डायनेस्टी जो है वो सामने आती है। तो पुष्यभूति डायनेस्टी के ही सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर अगर कोई थे तो वो कौन थे? हर्षवर्धन। तो हम लोग हर्षवर्धन के बारे में अब यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। आई होप अब तक जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है। अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है देन डू लेट मी नो, और अगर क्वेरी नहीं है तो फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जस्ट गिव मी अ थम्स अप अगर कोई क्वेरी अब तक नहीं है तो। तन्मय, आप जो MCQs की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए MCQs, उसके ऊपर मैं स्पेशल क्लासेस ले रही हूँ। तो आप अनअकैडमी प्लस पर जाके स्पेशल क्लासेस इनरोल कर सकते हैं। वो मैंने 2 अप्रैल से ही स्टार्ट कर दी थी। एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री पर मैं MCQs और PYQs ले चुकी हूँ, और कल से मैं मॉडर्न हिस्ट्री पर PYQs लेना स्टार्ट करूँगी। ये संकेत, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है जो हम NCERTs का पढ़ रहे हैं, वो क्लास 12 तक कंप्लीट किया जाएगा। ओके, ग्रेट। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, आपके कोई डाउट नहीं है तो। सो यहाँ पे हर्षवर्धन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर माने जाते हैं। इनके बारे में भी हमें बहुत सारी लिटरेरी सोर्सेस से पता चलता है, और उनमें से सबसे बेहतरीन लिटरेरी सोर्स है हर्षचरित। हर्षचरित हर्षवर्धन की बायोग्राफी है, और ये इन्हीं के कोर्ट पोएट बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। सो आप ये चीज़ यहाँ पे देखेंगे। अब ये हर्षचरित जो है, ये हमें जीनियोलॉजी के बारे में बताती है कि किस तरीके से क्रोनोलॉजिकली एक के बाद एक राजा इस पर्टिकुलर डायनेस्टी में आए। इसके साथ साथ ये जो पर्टिकुलर आप यहाँ पे हर्षचरित देख रहे हैं, ये हमें एक चाइनीज ट्रैवलर हीन जांग के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। हीन जांग की अगर बात करें तो ये चाइनीज पिलग्रिम थे, ये भी इंडिया आए, जैसे कि फाहियान आए थे। इन्होंने भी यहाँ पर जगह जगह जो भी बुद्धिस्ट साइट्स थी उनको विजिट किया। विजिट करने के साथ साथ इन्होंने जो ग्राउंड रियलिटीज़ हर्षवर्धन एम्पायर की थी उन्हें भी समझा, और इसके साथ साथ उन सारी चीज़ों को अपनी अकाउंट बुक में नोट भी किया। तो ये जो चाइनीज ट्रैवलर है हीन जांग, इनका आना भी हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स का काम करता है,
ओके तो थानेसर से शुरुआत होती है ये जो पूरा हर्षवर्धन एम्पायर है इसकी थानेसर से शुरुआत हुई लेकिन बाद में चलकर इन्होंने अपना कैपिटल थानेसर से कन्नौज शिफ्ट कर लिया। उसके पीछे की एक स्टोरी है उसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखोगे कन्नौज जो है या फिर ये वाला जो पूरा एरिया है गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइनेशन के बाद यहाँ पर एक ट्राइब रूल करने लग गई थी जिसको मौखरी ट्राइब कहते थे और इसी मौखरी ट्राइब में हर्षवर्धन की सिस्टर जो है उनकी शादी हुई थी। लेकिन क्या होता है ये जो कन्नौज है या ये मौखरी ट्राइब का जो किंगडम है इसके ऊपर ये मालवा रीजन में रहने वाला एक रूलर जो है देवगुप्त नाम से वो अटैक कर देता है और यहाँ पे इवन हर्षवर्धन की सिस्टर को भी किडनैप कर लेता है उसके हस्बैंड को भी मार देता है एंड फाइनली हर्षवर्धन और इस मालवा रीजन के जो राजा हैं उनके बीच में बैटल होती है और उस बैटल में हर्षवर्धन इस राजा को हरा देते हैं एंड फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि मुझे थानेसर से अपना कैपिटल कन्नौज शिफ्ट करना होगा बिकॉज कन्नौज शिफ्ट करने से ही मैं यहाँ पे एक तरीके से अपनी बहन और अपने जो ब्रदर इन लॉ है उनके किंगडम को भी प्रोटेक्ट कर पाऊँगा। तो इसी वजह से यहाँ पे कन्नौज उन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट किया। इवन ये भी माना जाता है कि एंशियंट टाइम में जो पोजीशन पाटलिपुत्र की हुआ करती थी वही पोजीशन बाद में चलकर कन्नौज की हो गई और आगे चलकर आप कन्नौज के लिए यहाँ पे बहुत से आसपास के किंगडम्स को फाइट करते हुए देखेंगे। त्रिपर्ती स्ट्रगल के बारे में आपने सुना होगा तो कन्नौज एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकल पोजीशन के तौर पर सामने आ रहा है जिसके ऊपर सब लोग जीत हासिल करना चाहते हैं, हर कोई जो है वो इसको जीतना चाहता है। ओके सो ये कन्नौज की इम्पॉर्टेंस है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर अब नेक्स्ट चीज़ ये है अगर आप यहाँ पर हर्षवर्धन एम्पायर के मैप को अगर आप यहाँ पर देखते हैं, अगर आप इस मैप को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये एम्पायर साउथ की ओर नहीं जा रहा, इसका एक्सपेंशन जो है वो साउथ की ओर नहीं हो रहा है। वाई इज़ इट सो, मतलब ये जो एम्पायर है सिर्फ ये यहीं तक सीमित रह गया। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था डेक्कन में रूल करने वाले चालुक्यास। इस समय डेक्कन में चालुक्य जो है वो रूल किया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे चालुक्यास जो हैं उनके साथ हर्षवर्धन ऑब्वियसली चाहता था कि वो भी साउथ में एक्सपेंड करे, उसने कोशिश भी की बट चालुक्यास ने उसके एक्सपेंशन को रेसिस्ट किया एंड यहाँ पे चालुक्यास के साथ चालुक्यन रूलर पुलकेशिन सेकंड के साथ हर्षवर्धन की बैटल भी हुई और हर्षवर्धन की ये जो बैटल है ये एक इंस्क्रिप्शन में प्रॉपर तरीके से नोट की गई है। अगर आप देखेंगे तो वो जो इंस्क्रिप्शन है वो अहियोल इंस्क्रिप्शन कहलाता है। अहियोल इंस्क्रिप्शन चालुक्यन एम्परर पुलकेशिन सेकंड के कोर्ट पोएट रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया है और उस अहियोल इंस्क्रिप्शन में जो बैटल हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड के बीच में हुई उसको प्रॉपर तरीके से मेंशन किया गया है, ठीक है। सो इसी वजह से आप देखते हैं कि ये जो एम्पायर है ये सिर्फ नॉर्थ तक सीमित रहा, ये साउथ की ओर नहीं आ पाया। ओके सो यस यू कैन सी दिस थिंग कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो साउथ इंडियन किंगडम्स इस पर्टिकुलर टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते थे और उनमें से एक एज आई टोल्ड यू चालुक्यास भी थे। चालुक्यास एक्चुअल में दो एरिया में फैले हुए थे, एक वेस्टर्न चालुक्यास थे और एक ईस्टर्न चालुक्यास थे। जब हम वेस्टर्न चालुक्यास की बात करते हैं तो वेस्टर्न चालुक्यास जो हैं उनका कैपिटल बादामी या फिर वातापी हुआ करता था और ईस्टर्न चालुक्यास का कैपिटल वेंगी हुआ करता था। इसी टाइम पर आपको पल्लवास भी इस एरिया में रूल करते हुए देखने को मिलेंगे। लेट मी शो यू फर्स्ट, पल्लवास जो हैं वो आपको इस एरिया में रूल करते हुए देखने को मिलेंगे जिनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैपिटल कांचीपुरम हुआ करता था। काफ़ी लंबे टाइम तक पल्लवास और चालुक्यास एक दूसरे से फाइट करते रहे और वो जो बैटल थी वो किस लिए थी,
कृष्णा और तुंगाभद्रा दोआब रीजन जो सबसे फर्टाइल रीजन था उसके लिए वो लोग काफ़ी लंबे टाइम तक इसी तरह से युद्ध में इन्वॉल्व रहे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट किंगडम्स थे जो कि हर्षवर्धन एम्पायर के कंटेम्प्रेरी माने जा सकते हैं। ओके, काफ़ी बार यहाँ पे चालुक्यन रूलर्स ने पल्लवास के ऊपर अटैक किया। इवन एक टाइम पर तो चालुक्याज ने पल्लवास के कैपिटल कांचीपुरम जो है उसको भी कैप्चर कर लिया था, लेकिन चालुक्यास को प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाला अगर कोई आया है तो वो थे राष्ट्रकूटास। तो लेटर पीरियड में मेडिवल टाइम्स में हम लोग राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, और ये राष्ट्रकूटास वही हैं जो कि चालुक्यास को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके डेक्कन में अपनी पोजीशन को प्रॉपर तरीके से इस्टेब्लिश करेंगे। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दीज रूलर्स। अगर हम इन किंगडम्स के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कुछ इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स आपको देखने को मिलेगी, कुछ इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स आपको इनके कोर्ट में देखने को मिलेंगे, जैसे कि महादंड नायक। अगर मैं गुप्तास की बात करूं तो गुप्तास के जो कोर्ट पोएट हरिसेन हैं उन्होंने समुद्रगुप्त प्रशस्ति में महादंड नायक नाम के एक चीफ के बारे में बात की है, और ये महादंड नायक जो था ये एक तरीके से क्या हुआ करता था, एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करता था। गुप्तास के टाइम पे इवन ये भी देखा गया है कि एक ही मिनिस्टर के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हरी सेन एक कोर्ट पोएट भी था बट वो महादंड नायक की पोजीशन को भी होल्ड करता था। इसके साथ साथ कुछ दूसरी पोजीशंस भी थी, जैसे कि कुमार आमत्य, ये सबसे इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर होता था। कुमार यानी कि वो प्रिंस भी होता था और वो मिनिस्टर भी होता था। संघ विग्रहिका, ये एक ऐसा मिनिस्टर होता था जो वॉर एंड पीस का मिनिस्टर होता था, मतलब नेबरिंग किंगडम्स के साथ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रिलेशन इस्टेब्लिश करने का काम ये किया करता था। इसी तरह से आपको श्रेष्ठी भी देखने को मिलेंगे, ये हम प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। श्रेष्ठी कौन है? श्रेष्ठी आर चीफ बैंकर्स। ओके, श्रेष्ठी कौन है? चीफ बैंकर्स होते थे, मर्चेंट्स होते थे। जो गिल्ड सिस्टम हमने पढ़ा था, श्रेणियां हमने पढ़ी थी, उन श्रेणीज के हेड ये श्रेष्ठी हुआ करते थे। जो गुप्तास के टाइम तक आते आते जो नगर हैं, जो सिटीज होती है, जो टाउन्स होती है, उनके भी हेड बन गए। इसी वजह से इन्हें आगे चलकर नगर श्रेष्ठी कहा गया। इस तरह से कुछ दूसरी टर्म्स भी आपको प्रशस्तियों में लिखी हुई मिलेगी, जैसे कि सर्थवाहा, ये लीडर हैं मर्चेंट कारवास के। वैसे ही प्रथम कुलिका, चीफ क्राफ्ट्समैन है। स्क्राइब्स के जो हेड होते थे वो कयस्थ कहलाते थे। तो इस तरह की कुछ इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स के नाम आपको काफ़ी बार यहाँ पे प्रशस्तियों में और इस तरह के इंस्क्रिप्शंस में लिखे हुए मिलते हैं। ओके, सो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और इसी वजह से प्रशस्तियाँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट सोर्स बन जाती है हमारे लिए, इनको पढ़ना एक तरह से काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ओके, ये जो राजा हुआ करते थे लेटर पीरियड के, ये ऑब्वियसली पैदल सैनिक यानी इन्फेंट्री तो मेंटेन करते ही थे, इसके साथ साथ घुड़सवार सैनिक भी, इम्पोर्टेंस इनकी भी बढ़ जाती है, बिकॉज ये काफ़ी फास्ट होते हैं और किसी भी वॉर को जीता जा सकता है घुड़सवार सैनिकों से। तो पहले हाथी रखने का प्रचलन होता था, लेकिन ये चीज़ में बदलाव आया, अब घुड़सवार सैनिक और घोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। ओके, तो इस तरह से ये चीज़ें होती थी, एंड ऑब्वियसली इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर लैंड रेवेन्यू जो है वो भी इन राजाओं के द्वारा कलेक्ट किया जाता था। ओके, सो इन चीज़ों को भी आप होता हुआ देखेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा और बेहतर तरीके से एलाबोरेट करूँ तो कुछ ऐसे किंगडम्स भी रहे जिनमें लोकल गवर्नमेंट के एग्जाम्पल्स भी आपको देखने को मिलते हैं, और वो हैं पल्लवास। पल्लवास के इंस्क्रिप्शंस में आपको लोकल गवर्नमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे, मतलब लोकल विलेज लेवल पर भी कुछ गवर्नमेंट्स होती थी जो विलेज लेवल पर गांव को एडमिनिस्टर किया करती थी। तो क्या क्या एविडेंसेस आपको इन इंस्क्रिप्शन से मिलते हैं? आपको ये पता चलता है कि लोकल लेवल पर सभाएँ होती थी। ये जो सभा होती थी इनमें सभी ब्राह्मण्स होते थे, और ये ब्राह्मण्स जो हैं एक विलेज को एडमिनिस्टर किया करते थे। इस सभा में बहुत से मेंबर्स होते थे, और हर एक मेंबर जो है वो किसी पर्टिकुलर टास्क
से जुड़ा होता था, मतलब एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से जुड़ा होता था। इरिगेशन एक एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, इसके अंडर कुछ मेंबर्स आएंगे, कुछ मिनिस्टर्स आएंगे लोकल लेवल पे, और वो इसको संभालेंगे गांव में। एग्रीकल्चर डिफरेंट डिपार्टमेंट, रोड्स और टेम्पल्स ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे, और इनको संभालने के लिए अलग अलग कमिटीज़ आपको ग्राउंड यानी विलेज लेवल पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये जो विलेजेस हैं इनके लिए एक टर्म यूज़ की गई है उर। इसी तरीके से नगरम जो है वो भी एक टर्म यूज़ की गई है एक ऐसे गांव के लिए जहाँ पर मर्चेंट्स रहा करते थे। तो उर, अग्रहारास और नगरम ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपको पल्लग इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी, ठीक है। अग्रहारास वो गांव होते हैं जिनमें सिर्फ ब्राह्मण्स पाए जाते हैं। उर जो है ये वो गांव होते हैं जो बड़े गांव हैं, काफ़ी बड़े हैं साइज में, और एक दो गांव का ग्रुप हम उर कह सकते हैं। इनमें सिर्फ ब्राह्मण्स ही नहीं, दूसरी कास्ट के लोग भी पाए जाते हैं। नगरम वो जगह होती थी जहाँ पर आपको मर्चेंट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये इसका मतलब ये है कि ग्राउंड लेवल पर लोकल गवर्नमेंट भी कुछ एग्जिस्ट करती थी, जो सेंटर में राजा तो है बट लोकल लेवल पर ये जो लोकल गवर्नमेंट है ये भी अपने लेवल पर एडमिनिस्टर किया करती थी। इवन पल्लव इंस्क्रिप्शंस में तो इन लोकल गवर्नमेंट में जो मेंबर्स हैं उनके इलेक्शन की प्रोसेस भी बताई गई है। चिट सिस्टम भी होता था, सर्कुलेशन भी होता था, मतलब गांव के हर एक मेंबर की एक बार ज़रूर बारी आएगी इन कमिटीज़ का हिस्सा बनने की। तो ये सब इंफॉर्मेशन भी पल्लव इंस्क्रिप्शन से हमें काफ़ी बार मिलती है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लास सिक्स चैप्टर नंबर 11, जो हमें नए नए किंगडम्स और जो नए नए एम्पायर्स फर्थर आगे चलकर डेवलप हुए एंशियंट टाइम में, लेटर पीरियड में, उनके बारे में बताते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर 12। ये चैप्टर नंबर 12 एक जनरल डिस्कशन है अबाउट डेवलपमेंट्स आर्किटेक्चर में, मतलब जो भी डेवलपमेंट्स आर्किटेक्चर की फील्ड में हुई या फिर दूसरे कल्चरल फील्ड में जो भी डेवलपमेंट्स हुई, लिटरेचर में जो डेवलपमेंट्स हुई, वो सब आप यहाँ पर होती हुई देखेंगे। ओके, सो यू विल गेट टू नो दिस थिंग। नहीं राहुल, एक्चुअल में क्या होता था, साउथ में आप देखेंगे कि साउथ में जो पूरा का पूरा किंगडम होता था उसको मंडल्स में डिवाइड किया जाता था। मंडलम आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप नाडू देखेंगे, फिर आप उर देखेंगे। तो उर्स का कलेक्शन इज नाडू, नाडूज का कलेक्शन इज मंडलम। ओके, तो इस तरीके से चीज़ें होती थी। उर जो है उनके अंदर सभाज होती थी और ये ब्राह्मण्स की सभाज होती थी जो ग्राउंड लेवल पर उस पर्टिकुलर गांव को एडमिनिस्टर किया करती थी। तो इस तरीके से आप टेरिटोरियल डिवीजन देख सकते हैं साउथ इंडियन किंगडम्स में। ओके, यह श्रुति, शशांक जो है वो भी इन्वॉल्व थे। शशांक वॉज एक्चुअली अ रूलर जो कि बंगाल वाले रीजन में थे, एंड शशांक जो है वो भी इस पर्टिकुलर बैटल में इन्वॉल्व थे जो हर्षवर्धन वाली बैटल हमने डिस्कस की। ओके, शशांक वॉज अ गॉड रूलर ऑफ बंगाल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ये बेसिक डिस्कशन है, मतलब किस तरह की डेवलपमेंट्स आर्किटेक्चर में, पेंटिंग्स में, बुक्स में हुई। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको कुछ बुक्स के नाम, उनके राइटर्स के नाम, कुछ पेंटिंग्स, कुछ आर्किटेक्चर, इन सब के बारे में पता चलता है। ओके, चलिए तो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले जो मोस्ट फैसिनेटिंग चीज़ हमें एंशियंट टाइम से मिलती है वो है आयरन पिलर ऑफ मेहरौली। वाई? क्योंकि ये आयरन का है और आयरन की प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से इतने साल पहले ये बनाया गया था, लगभग 1500 ईयर्स पहले ये बनाया गया था। तो ऑब्वियसली बात है कि इस पर रस्ट लगना चाहिए, इस पर जंग लगना चाहिए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये जो मेहरौली का आयरन पिलर है ये गुप्ताज के टाइम से बिलोंग करता है। नाउ द क्वेश्चन इज ये अब तक कैसे बचा हुआ है और इसके ऊपर अब तक जंग क्यों नहीं लगा, ये रस्टिंग क्यों नहीं हुई। नाउ ये हमें ये बताता है कि गुप्ताज के टाइम में मेटलर्जी की फील्ड में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई थी कि उन्होंने इसको कुछ इस तरीके से बनाया कि रस्ट अब तक ये इस पर नहीं लगा। सो दिस इज समथिंग जो काफ़ी फैसिनेटिंग है और एंशियंट पीरियड से जुड़ा हुआ है।
इसके अलावा सेकेंड जो फैसिनेटिंग चीज़ आपको एंशियंट पीरियड के आर्किटेक्चर से देखने को मिलती है वो है स्तूप. नाउ द क्वेश्चन इज स्तूप क्या है? तो इस सवाल का जवाब है कि जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई तो उनकी जो रेलिक्स थे, उनके जो अवशेष थे, उन अवशेषों को एक पॉट में इकट्ठा किया गया और उन पॉट्स को, वो लगभग 9 पॉट्स में इस तरह से वो अवशेष डाले गए और उन पॉट्स के ऊपर इस तरीके का माउंड जो है वो बनाया गया. तो कैसे होता था, ये पॉट है और पॉट के ऊपर इस तरीके से माउंड बनाए गए. इन पॉट में गौतम बुद्ध के रिलिक्स हैं. हो सकता है वो बर्तन जिसमें वो भिक्षा मांगते थे, या फिर उनके नेल्स हो सकते हैं, या फिर उनके हेयर्स हो सकते हैं. तो उनके जो भी अवशेष थे वो इन पॉट्स में डालकर 9 ऐसी लोकेशंस जो गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई थी उन पर ये स्तूप बना दिए गए थे. तो स्तूप एक्चुअल में क्या है, माउंड और बरियल माउंड. ओके, अब ये जो बरियल माउंड्स हैं ये जगह जगह बनाए गए और ये जो बरियल माउंड्स हैं इनमें पहले ऑब्वियसली ये जो माउंड है ये अनबर्न्ड ब्रिक से बनाए गए थे, उसके बाद इसके ऊपर बर्न्ड ब्रिक्स लगाई गई और बर्न्ड ब्रिक्स के बाद इसके ऊपर प्लास्टर लगाया गया. तो ये आप स्तूप बनता हुआ देखेंगे. हमारे पास बहुत से बेहतरीन एग्जाम्पल हैं स्तूप के, जैसे कि सांची का स्तूप जो आप यहाँ देख सकते हैं. अशोक जब आए तो अशोक ने क्या किया, अशोक ने यहाँ पे इन सारे 9 स्तूपास को खुलवा दिया और इन सारे स्तूपास को खुलवा के उन रेलिक्स को वापस बाहर निकाला गया और उन रेलिक्स को वापस से रीडिवाइड करके यहाँ पे लगभग 84,000 स्तूपास वापस से कंस्ट्रक्ट कराए गए. ओके, तो ये चीज़ भी आप यहाँ होती हुई देखते हैं. बेहतरीन एग्जाम्पल्स में से जो अब तक हमारे पास स्तूप का एग्जाम्पल बचा हुआ है वो है सांची का स्तूप. जितने भी स्तूपास इंडिया में कंस्ट्रक्ट हुए थे उनमें से सबसे बड़ा स्तूप जो है वो अमरावती का स्तूप था और उस अमरावती के स्तूप को महाचैत्य कहा जाता था. लेकिन हुआ क्या कि आप देखेंगे कि जो अमरावती का स्तूप था उसकी हालत अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो अमरावती का स्तूप आज के टाइम पर स्तूप जैसा लगता ही नहीं है. आप लोग पिक्चर सर्च कीजिएगा अमरावती के स्तूप की. ब्रिटिशर्स के टाइम पर लोगों को लगा कि ये जो एंट्रेंस गेट्स हैं स्तूपास के बाहर ये कितने ब्यूटीफुल हैं. ये एंट्रेंस गेट आप देख पा रहे हैं सांची के स्तूप में, ऐसे ही एंट्रेंस गेट्स या गेटवेज जो हैं वो अमरावती के स्तूप में भी थे. तो ब्रिटिशर्स को लगा ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बेहतरीन है, इनको निकाल कर हमें ब्रिटेन ले जाकर अपने गार्डन्स में लगा देना चाहिए. और कुछ ऐसा ही उन्होंने किया, वो एक एक करके इसके छोटे छोटे पीसेस ले जाकर ब्रिटेन ले जाकर अपने घरों को सजाने लगे और इसी वजह से अमरावती का स्तूप जो है वो आज के टाइम में स्तूप जैसा दिखता ही नहीं है. इवन अमरावती के आसपास के लोकल रूलर जो थे उन्होंने भी सोचा कि शायद ये जो स्तूप है इसके अंदर कोई खजाना छुपा है, तो उन्होंने भी उस स्तूप को तोड़ दिया एंड अमरावती का स्तूप आज के टाइम पे बहुत ही बुरी हालत में है. हमारे पास अगर कुछ बचा है तो ये जो वेदिका वाले जो पैनल्स हैं ये सिर्फ हमारे पास बचे हैं. अदर देन दैट महाचैत्य जो है आज वो बहुत ही बुरी हालत में है. अमरावती के पास देयर इज अ म्यूजियम जिसमें उस महाचैत्य का मॉडल रखा गया है. एक्चुअल में वो महाचैत्य वैसा ही दिखता था. ओके, सो सांची और अमरावती ब्यूटीफुल एग्जांपल्स हैं इन स्तूपास के. इन स्तूपास में जो वेरियस एलिमेंट्स होते हैं उनकी अपनी इम्पोर्टेंस होती है. आप यहाँ पे इसमें छत्रावली देख सकते हैं, हर्मिका, फिर ये जो गेटवेज होते हैं, ये जो एंट्रेंस गेट्स हैं इनको तोरण कहते हैं, फिर इस स्तूप के चारों ओर जो बाउंड्री खींची गई है उसको वेदिका कहा जाता है. स्तूप के बीच में और बाउंड्री के बीच में देयर इज अ गैप जिसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं. जैसे कि मान लीजिए दिस इज दी स्तूप और ये आपकी बाउंड्री है, तो ये जो गैप आप यहाँ पे देख रहे हैं ये प्रदक्षिणा पथ है जो कि इसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए बनाया गया होगा. तो दीज आर स्तूपास. ये सब चीज़ें कब हो रही हैं, जब बुद्धिज़्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, बुद्धिज़्म काफ़ी अच्छे से फ्लरिश कर रहा था, बहुत ही पॉपुलर था और उसके ही इन्फ्लुएंस आप आर्किटेक्चर में भी देख सकते हैं. लेकिन जब गुप्तास का टाइम आप देखते हो, गुप्तास के टाइम में क्या हुआ, गुप्तास के टाइम में धीरे धीरे बुद्धिज़्म डिक्लाइन होने लगा और हिंदुज़्म शेप लेने लगा, हिंदुज़्म पॉपुलर होने लगा और इसी वजह से गुप्तास के टाइम से
एक नया आर्किटेक्चर शुरू हुआ जिसे हम टेंपल आर्किटेक्चर कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे टेंपल्स आपको बनते हुए देखने को मिलेंगे, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। गुप्तास के टाइम पे जो टेंपल बने वो फर्थर इवॉल्व हुए। जो इवोल्यूशन नॉर्थ में हुआ और जो स्टाइल बाहर निकल कर आया टेंपल्स का, उसको हम लोग नॉर्थ में नागर स्टाइल कहते हैं, और जो इवोल्यूशन टेंपल्स में साउथ में हुआ उसको हम द्रविडियन स्टाइल कहते हैं। कुछ नया स्टाइल डेक्कन रीजन में भी सामने आया जो हाइब्रिड नेचर का था, जिसमें नागर स्टाइल के फीचर्स भी थे, द्रविडियन स्टाइल के फीचर्स भी थे, और उस हाइब्रिड स्टाइल को विसारा स्टाइल कहा गया। तो ये तीन स्टाइल के टेंपल आर्किटेक्चर जो है वो आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। एक पर्टिकुलर टेंपल जो होता है उसके वेरियस एलिमेंट्स होते हैं, वेरियस पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पिक्चर में आप उस चीज़ को देख सकते हैं। सबसे पहले होता है सेंट्रल सैंक्टम, जिसमें गॉड या गॉडेस की मूर्ति रखी जाती है, उसको हम गर्भागृह कहते हैं। इस गर्भागृह के ऊपर शिखर होता है, शिखर के ऊपर एक आम की पत्तियों जैसे शेप वाला अमलक होता है, और अमलक के ऊपर एक कलश बना हुआ होता है जिसे पूर्ण कलश भी कहते हैं। उसके बाद गर्भागृह के आगे आपको ये कोलोनेटेड एरिया जिसमें आपको पिलर्स देखने को मिल रहे हैं, इसको मंडप कहते हैं। ये मंडप अलग अलग साइज के होते हैं, अर्ध मंडप, मंडप और महामंडप। तो ये आप यहाँ देखेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द डेवलपमेंट्स जो टेम्पल आर्किटेक्चर में हुई। जैसे कि ये एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है द्रविडियन स्टाइल का, शोर टेंपल महावरीपुरम, पल्लव आर्किटेक्चर है ये द्रविडियन स्टाइल में है, द्रविडियन स्टाइल में है, पानी के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। इसको प्रिजर्व करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पानी, नमक का जो पानी है उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इरोड होता जा रहा है, उस पर रस्ट लगता जा रहा है। इस पर्टिकुलर टेंपल की खास बात क्या है, ये जो पर्टिकुलर टेंपल है ये यहाँ पे नरसिम्ह वर्मन सेकंड के द्वारा बनवाया गया था, और ये टेंपल जो है इसमें खास बात ये है कि इसमें बहुत सारे नंदी के स्कल्पचर्स हैं। अगर आपने कभी हिंदू टेंपल्स देखे होंगे तो हिंदू टेंपल्स में आपने देखा होगा अगर एक लॉर्ड शिव की मूर्ति है या फिर एक शिवलिंग है, शिवलिंग बनाया हुआ है, तो उसके लिए नंदी जो है वो एक ही नंदी का स्कल्पचर देखने को मिलेगा। नंदी इज हो, नंदी कौन है, नंदी लॉर्ड शिव के व्हीकल हैं, वाहन हैं। तो यहाँ इतने सारे जो आप यहाँ पे इतने सारे यहाँ नंदी देख रहे हैं, ये एक और सवाल उठाते हैं कि अगर इतने सारे नंदी हैं तो उस हिसाब से उतने ही सारे शिवलिंग भी उस मंदिर में होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। तो आइडिया ये लगाया जाता है कि यहाँ पे हो सकता है जो तट था, जो कोस्टल एरिया था, वो और आगे तक था, और आगे भी टेंपल्स बने हुए थे, और वो टेंपल्स समय के साथ साथ पानी का लेवल बढ़ने की वजह से शायद पानी में डूब गए, क्योंकि बहुत सारे मरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने ही इन नंदी को, ये जो नंदी के स्कल्पचर्स हैं, इन्हें पानी से निकाला है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो शोर टेंपल से जुड़े हुए हैं, और ये पल्लव आर्किटेक्चर का ब्यूटीफुल एग्जांपल है। ओके, तो टेंपल आर्किटेक्चर वाज आल्सो समथिंग जो एंशिएंट टाइम में डेवलप हुआ। उसके बाद केव्स की अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे जो भी केव्स का कंस्ट्रक्शन हुआ, जैसे अजंता केव्स है, एलोरा केव्स हैं, या स्तूपास का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिर ये स्तूपास या टेंपल्स जो हैं वो कैसे बनाए जा रहे थे, और उन्हें बनाने के लिए पैसे कौन दे रहा था, है ना, पैसे मतलब कि रिसोर्सेस कौन प्रोवाइड कर रहा था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इन जनरल ये देखा गया कि ये केव्स, स्तूपास या टेंपल्स को नॉर्मली या तो कोई राजा पैट्रनाइज करता था, या तो वो सोर्सेज प्रोवाइड करता था, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता था, अदरवाइज बहुत से जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स होते थे वो भी यहाँ पर काफ़ी हद तक इन आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स के लिए डोनेशन दिया करते थे, और जब वो डोनेशन देते थे तो उन आर्किटेक्चर्स पे उनका नाम जो है वो भी इंस्क्राइब किया जाता था। तो इन लोगों के द्वारा भी काफ़ी हद तक डोनेशंस दिए गए हैं। ओके, और सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो कि डोनेशन से
कंस्ट्रक्शन किया गया है वो है अजंता केव्स. अजंता केव्स वॉज पैट्रनाइज बाय अ वकटक रूलर जिनका नाम हरिसेन था. अब हरिसेन जो है उन्होंने तो पैसा दिया इन केव्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, लेकिन इन केव्स का मेजॉरिटी ऑफ पार्ट स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स वो सब मर्चेंट्स और ट्रेडर्स के द्वारा पैटर्नाइज की गई हैं. इवन अजंता केव्स जो हैं वो पहली ऐसी केव्स हैं जिन्हें हम लोग मैन मेड कह सकते हैं. इनसे पहले भी केव्स रहीं, इनसे पहले भी केव्स यहाँ पे रही हैं, जैसे कि लोमस ऋषि केव है जो कि बराबर हिल्स में है. वो केव्स हैं, वो भी मैन मेड केव्स हैं, लेकिन वो बहुत सिंपल केव्स हैं. प्रॉपर आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स जिसमें प्रॉपर तरीके से अंदर सुंदर स्कल्पचर्स जहाँ आपको देखने को मिलते हैं वो अजंता केव्स हैं. मैन मेड केव्स हैं ये, बुद्धिस्ट केव्स हैं. 30 केव्स हैं अजंता केव्स जो हैं वो 30 केव्स हैं. 30 केव्स में से 5 केव्स जो हैं वो यहाँ पर हीनयान बुद्धिज़्म से जुड़ी हुई हैं एंड रेस्ट ऑफ दी 25 केव्स महायान बुद्धिज़्म से जुड़ी हुई हैं, जिसमें आपको प्रॉपर गौतम बुद्ध की पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे. जब हम अजंता केव्स की पेंटिंग्स की बात करते हैं तो म्यूरल पेंटिंग्स आपको अजंता केव्स में देखने को मिलेंगे. म्यूरल पेंटिंग्स जो बहुत बड़े बड़े वॉल्स पर यहाँ पे बनाई गई हैं. और म्यूरल पेंटिंग्स में एक ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये पद्मपाणि की पेंटिंग है. पद्मपाणि बोधिसत्व थे जिन्हें अवलोकितेश्वर भी कहा जाता था, उनकी पेंटिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं. इसके साथ साथ बहुत सी फेमस म्यूरल पेंटिंग्स अजंता में हैं. फॉर एग्जांपल डाइंग प्रिंसेस, फ्लाइंग अप्सरा, महाजनक जातक नाम की भी एक पेंटिंग आप देखेंगे उसमें. तो ये बहुत सारी पेंटिंग्स जो आप देख पा रहे हैं इससे पेंटर्स की स्किल जो है वो उभर कर आती है, क्योंकि अजंता केव्स की पेंटिंग्स में एक स्टिलनेस है, एक शांत शांति है, बट उसके बाद भी वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज हमेशा देखने वालों को डिलीवर करती है. तो ये पेंटिंग्स भी ब्यूटीफुल डेवलपमेंट्स थी जो कि उस टाइम पर हुई. उसके बाद जब हम बुक्स की बात करते हैं तो बुक्स या फिर लिटरेरी सोर्सेज या फिर लिटरेचर वर्क जो है उसमें भी एंशंट टाइम में डेवलपमेंट्स देखी जा सकती हैं. उनमें से कुछ बहुत ही बेहतरीन बुक्स थी, बहुत सी एपिक्स थी, बहुत सी लॉन्ग पोएम्स थी, बहुत सी स्टोरीज गॉड्स एंड गॉडेस से जुड़ी हुई थी जो कि राइटर्स ने पेपर पर उतारी. उनमें से एक बेहतरीन एग्जाम्पल है सिल्ला पडिकरम. अगर आप लोगों ने इसके बारे में सुना है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. सिल्ला पडिकरम के राइटर हैं इलांगो अदिगल. ये संगम पीरियड से जुड़ी हुई एपिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि सिल्ला पडिकरम हमें संगम पीरियड की सोसाइटी के बारे में जानकारी देती है. सिल्ला पडिकरम इज एक्चुअली अ स्टोरी ऑफ थ्री कैरेक्टर्स, मतलब तीन यहाँ पे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है, कोवलन, कनगी और माधवी. कोवलन हस्बैंड है, कनगी वाइफ है एंड माधवी इज अ भरतनाट्यम डांसर. तो इसी वजह से सिल्ला पडिकरम हमारे लिए एक ऐसा सोर्स भी बन जाती है जिसमें क्लासिकल डांस भरतनाट्यम को मेंशन किया गया है. ओके, सो ये यहाँ पर स्टोरी है जिसमें कोवलन और कनगी हस्बैंड वाइफ हैं और वो यहाँ पे एक दिन माधवी का भरतनाट्यम डांस देखने जाते हैं एंड कोवलन को माधवी बहुत पसंद आती है. फाइनली कोवलन डिसाइड करता है कि मैं माधवी के साथ शादी करूंगा और माधवी के साथ ही रेस्ट ऑफ दी लाइफ जो है वो जीऊँगा. तो वो अपनी वाइफ कनगी को छोड़ के चला जाता है. वो कुछ दिन माधवी के साथ रहता है और वापस से आता है. वो वापस आ जाता है जब उसको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होती हैं. कनगी अपने हस्बैंड को वापस से एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन सोसाइटी अब उन दोनों को एक्सेप्ट नहीं करती. फाइनली दे डिसाइडेड कि हम एक नए शहर में जाएंगे और अपना जीवन वापस से शुरू करेंगे. सो दे वेंट टू मदुराई. कोवलन और कनगी मदुराई चले जाते हैं. मदुराई में कोवलन नया काम ढूंढने निकलता है बाहर, लेकिन उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और इसके साथ साथ उसको फांसी की सज़ा या मृत्यु दंड दे दिया जाता है. तो उसको गला काट दिया जाता है राजा के द्वारा. देन फाइनली कन्नगी को ये पता चलता है और कन्नगी डिसाइड करती है कि मैं मदुराई को आग लगा दूंगी. तो वो पूरी मदुराई को जलाकर राख कर देती है. कन्नगी जो है आज भी साउथ इंडिया में एक गॉडेस के तौर पर पूजी जाती हैं
और कन्नगी की वजह से ही एक नया कल्ट भी साउथ इंडिया में शुरू हुआ था जिसको कहते हैं पटनी कल्ट या पत्नी कल्ट। अगर आप इस पूरी स्टोरी में देखेंगे, द ओनली पर्सन जो अपने धर्म का पालन कर रही है वो कन्नगी ही है, ठीक है। इवन उसके हस्बैंड ने उसके साथ गलत किया, उसके बाद भी वो अपनी पत्नी का जो धर्म है उसको पूरी तरह से फॉलो कर रही है। इसी वजह से एक नया पत्नी कल्ट जो है वो साउथ में शुरू हुआ, और ये जो कल्ट है इसके तहत कन्नगी को गॉडेस का पूजा जाता है, ओके। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बुक जो साउथ, मन्नी मिक्कलई, जो कि सिलापडिकरम का ही सेकेंड सीक्वल माना जाता है। एंड दिस मन्नी मिक्कलई इज अबाउट वॉट? मन्नी मिक्कलई जो है वो यहाँ पर एक तरीके से माधवी और कोवलन की बेटी से जुड़ी हुई स्टोरी है, ठीक है। तो ये इसका सेकेंड पार्ट माना जाता है मन्नी मिक्कलई, एंड ये यहाँ पे चेत्तई चित्तनार के द्वारा लिखा हुआ है। कहा जाता है कि इलांगो अदिगल और चेत्तई चित्तनार जो है वो अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने ये दोनों बुक्स एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए लिखी। इसके अलावा हमारे पास पुराण्स भी हैं एंशियंट पीरियड से जुड़ी हुई। पुराण्स को अगर आप देखते हैं तो पुराण्स कहाँ से आता है? पुराण्स आता है ओल्ड से, यानी इसमें आपको ओल्ड स्टोरीज, पुरानी कहानियाँ गॉड्स एंड गॉडेस से देखने को मिलेंगी। तो देर आर 18 महापुराण्स एंड पुराण्स। ये सारी की सारी जो पुराण्स हैं ये संस्कृत में लिखी गई थी, और ये काफ़ी हद तक शूद्र और महिलाओं को सुनने की भी इन्हें आज़ादी दी गई थी। सुभाष, मैं क्वेरीज और क्वेश्चंस ले रही हूँ, मुझे आपकी कोई भी क्वेश्चन अब तक मिला नहीं है। नरेश, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो ऑब्वियसली आप सेशन के टाइम पे ही रनिंग नोट्स जो हैं वो बना सकते हैं, ओके। यस, इसके अलावा एपिक्स, महाभारत और रामायण का कंपोजिशन जो है वो भी इसी पर्टिकुलर टाइम पर होता है। महाभारत इज द स्टोरी ऑफ अ वॉर बिटवीन कौरव्स एंड पांडव्स, जो कि यहाँ पे कजिन ब्रदर्स थे, एंड वहीं रामायण जो है वो है स्टोरी अबाउट लॉर्ड राम, जो कि कोसला के राजा थे, युवराज थे, और कैसे वो अपनी वाइफ के साथ और अपने छोटे भाई के साथ यहाँ पर वनवास में जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन था जो कि एंशियंट टाइम में हुआ। इसके साथ साथ आम लोगों ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। एपिक्स की बात करें या फिर यहाँ पुराण्स की बात करें, ये कुछ ऐसी कृतियाँ हैं या कुछ ऐसी क्रिएशंस या कंपोजिशंस हैं जो कि संस्कृत में की गई, और ये पढ़े लिखे लोग जिन्हें ब्राह्मण हम कह सकते हैं उनके द्वारा कंपोज की गई। लेकिन जब हम लोकल लोगों की बात करते हैं तो लोकल लोगों ने भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन लिटरेचर वर्क में दिया है, और वो जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आप यहाँ पे जातक स्टोरीज और पंचतंत्र की कहानियों के तौर पर देख सकते हैं, ठीक है। सुभाष, जो मेरा आर्ट एंड कल्चर की क्लास थी वो पर्टिकुलर क्लास रिकॉर्डेड क्लास थी, ठीक है। तो वो अनअकैडमी के जो चैनल रेगुलेटर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो जब उसको पब्लिश करेंगे तभी नेक्स्ट क्लास आएगी। वो लाइव क्लास नहीं थी, वो रिकॉर्डेड सेशन था, ओके। सो जल्दी उसका सेकेंड पार्ट भी पब्लिश हो जाएगा, डोंट वरी, ओके। सो इसके अलावा भी हमारे पास फर्थर कुछ दूसरे भी कंपोजिशंस हैं, जैसे कि आर्यभट्टीयम, जिसमें आप ये मैथ्स और फिजिक्स से जुड़ी हुई बुक आप देखेंगे जो आर्यभट्ट के द्वारा कंपोज की गई थी, और आगे चलकर उसको आर्यभट्टीयम के तौर पर गुप्तास के पीरियड में कंपाइल कर लिया गया, ओके। सो दीज वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रिएशंस एंड कंपोजिशंस जो कि इंडिया में हुई, एंड इस तरीके से आपकी क्लास सिक्स की जो NCERT है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा, उस नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्लास सेवन्थ की NCERT को स्टार्ट करेंगे, और ये जो नेक्स्ट सेशन है ये ऑब्वियसली 22 अप्रैल को होगा। तो 22 अप्रैल को सेम टाइमिंग पर आप लोगों से हम मिलेंगे एंड फर्थर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।
ओके शकुंतला, द पॉइंट इज, देखिए दिस इज वेरी मच डिबेटेबल, ये बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन है कि रामायण इज रियल और नॉट. अगर आप आर्कियोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उनके पास कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, लेकिन जब आप रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो रामायण वॉज वेरी मच रियल. ओके, रामायण और महाभारत को इतिहास कहते हैं. इतिहास का मतलब क्या होता है? इनडीड इट हैपेंड, इसी वजह से उसको इतिहास की कैटेगरी में डालते हैं. तो यस, ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है. एंड इसके साथ साथ आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, और वो ये है कि मैं अनअकैडमी प्लस पर भी लाइव सेशंस ले रही हूँ. अगर आप अनअकैडमी प्लस का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. रेफरल कोड ARTIYT10 का यूज़ करते हुए. अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, इस पर्टिकुलर सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसमें मेरी प्रोफाइल का लिंक भी आपको मिलेगा. इसके साथ साथ जो रेफरल कोड है जो आपको 10% डिस्काउंट देगा अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर, वो भी कोड आप इसमें देख सकते हैं. ओके, सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड. नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. क्लास 7th की NCERT को हम लोग स्टार्ट करेंगे 22nd of April. थैंक यू.